वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। बिहार के दो राज नेता कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव। कर्पूरी ठाकुर सादगी की मिसाल थे और लालू प्रसाद यादव अपने गवई अंदाज के लिए फेमस। कर्पूरी ठाकुर दो बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद रिक्शे से चला करते थे। पटना की सड़कों पर अक्सर उन्हें मैले कुर्ते और हवाई चप्पल पहने हुए रिक्शे में देखा जाता था। ये वो दौर था जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर रहे थे। खुद को कर्पूरी ठाकुर का शिष्य कहने वाले लालू जब पहली बार सांसद बने तो लालू ने अपने सपनों की जीप खरीद ली। लालू खुद पश्चिम बंगाल से इस जीप को लेकर आए थे। लालू व्हील्स की सेकेंड हैंड जीप में अक्सर सवारी करते दिखाई देते थे। एक मौका ऐसा आया जब कर्पूरी ठाकुर को लालू की जीप की जरूरत पड़ गई। उस वक्त ज्यादातर नेताओं के पास गाड़ियां नहीं थी। उस वक्त कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे और बीमार चल रहे थे। एक दिन उन्हें किसी जरूरी काम से विधानसभा जाना था। उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं थी। ऐसे में लालू की याद आई। उन्होंने अपने किसी करीबी से लालू यादव के पास खबर भिजवाई कि कर्पूरी ने कहा है कि संभव हो तो वो अपनी जीप से उन्हें विधानसभा छोड़ दे। वरिष्ठ पत्रकार अनुरंजन झा अपनी हालिया किताब गांधी मैदान ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस में इस किस्से का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि कलफदार कुर्ते और महंगे सैंडल के शौकीन लालू यादव ने संदेशवाहक को टका सा जवाब देते हुए कहा, मेरी जीप में तेल नहीं है। हालांकि कई बार लालू कर्पूरी ठाकुर को अपने साथ जीप में ले जाया करते थे, लेकिन उस दिन लालू ने इनकार कर दिया था। अनुरंजन झा ने कर्पूरी ठाकुर की सादगी पेश करते हुए एक और किस्से को अपनी किताब में लिखा है। 70 के दशक में बिहार सरकार ने पटना के विधायकों और पूर्व विधायकों को निजी आवास के लिए सस्ती दर पर जमीन देने का फैसला लिया। कर्पूरी ठाकुर ने भी अपने दल के नेताओं से कहा कि वो जमीन ले लें। हालांकि जब उनसे कहा गया कि आप भी अपने लिए जमीन ले लीजिए तो उन्होंने साफ इनकार कर लिया। एक विधायक ने कहा, आप जमीन नहीं लेंगे तो आपके बाल बच्चे कहाँ रहेंगे? कर्पूरी ठाकुर ने जवाब दिया, कुछ नहीं करेंगे तो गाँव में रहेंगे। जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर अपने उसूलों को लेकर बेहद सजग रहते थे। उतनी ही सामान्य जीवन जीते थे। वो सुबह 5 बजे जग जाया करते थे। उनकी सादगी आज के नेताओं के लिए मिसाल है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।